वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग हैक्स जो आपकी डेली कुकिंग को बहुत आसान बनाने वाले हैं और आपका घंटों टाइम भी बचाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे साथ ये अमेजिंग से हैक्स। अगर आपको हैक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आप ही के द्वारा रिक्वेस्टेड हैक्स से। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव को प्रीहीट किया जाता है, बेकिंग से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं कन्वेक्शन मोड पे। तो चलिए आज मैं आपको फुल डेमो देने वाली हूँ। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं बेकिंग का, उससे पहले हमें प्रीहीट करना होता है अपने माइक्रोवेव को। कन्वेक्शन मोड पे हमें इसे प्रीहीट करना है, ध्यान रखिएगा। प्रीहीटिंग का तरीका किसी भी कंपनी का माइक्रोवेव हो या फिर ओवन हो, सब में एक जैसा ही होता है। बस डिफरेंस होते हैं इसके फंक्शंस, किसी में डायल होता है तो किसी में ऑप्शंस होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तरीका सेम ही होता है प्रीहीट करने का। देखिए, मेरा एलजी का माइक्रोवेव है और जो मैं प्रीहीटिंग का तरीका बता रही हूँ वो एलजी माइक्रोवेव का बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर माइक्रोवेव को स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रोवेव को, और उसके बाद हमें डोर को ओपन करना है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम प्रीहीट के लिए लगाते हैं अपने माइक्रोवेव को, उससे पहले हमें रैक रखना होता है माइक्रोवेव में। कन्वेक्शन मोड पे हमें लोअर रैक का इस्तेमाल करना है, हायर रैक हम नहीं यूज़ करते। जब भी हम कोई भी बेकिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमें लोअर रैक का यूज़ करना होता है। देखिए, कन्वेक्शन मोड पे जब हमारा माइक्रोवेव चलता है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, और जो हमारी बेकिंग रेसिपीज़ होती हैं वो चारों तरफ से अच्छे से बेक होती है। अगर हम हायर रैक का यूज़ करते हैं तो रेसिपी हमारी ऊपर से जल जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है लोअर रैक, डोर को करेंगे हम यहाँ पर बंद। और अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से प्रीहीट करते हैं माइक्रोवेव को। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं देखिए माइक्रोवेव को प्रीहीट करने का। एक तरीका आप डायरेक्ट करिए, दूसरा तरीका आप इसमें टाइमिंग डाल के कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें कन्वेक्शन का जो ऑप्शन है उसे प्रेस करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। हमें कन्वेक्शन यानी जिस पे ये फैन जैसा सिंबल होता है उसे प्रेस करना है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो 180 डिग्री लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर पर हमें प्रीहीट करना है। अब इसके जो टेम्परेचर होते हैं देखिए, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 230 और सबसे लोअर है मेरे माइक्रोवेव में 40। तो देखिए, जैसे जैसे आप डायल घुमाएंगे और रेसिपी जितना टेम्परेचर मांगेगी आपको उसको सेट करना है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बेकिंग की बात कर रही हूँ तो बेकिंग होती है हमारी, यानी स्पेशली जो केक हमारा बेक होता है वो 180 डिग्री पे बेक होता है। बस हमें 180 डिग्री प्रेस करना है और उसके बाद स्टार्ट का बटन ऑन करेंगे। ये तो हो गया यहाँ पर एक तरीका प्री हीट करने का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्री हीट लिखा हुआ आ गया है डिस्प्ले में, ये एक तरीका होता है। लेकिन मैं इस तरीके से प्री हीट नहीं करती हूँ अपने माइक्रोवेव को। मेरा जो तरीका है माइक्रोवेव को प्रीहीट करने का वो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है। देखिए, सबसे पहले हमें कन्वेक्शन मोड को प्रेस करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट का बटन ऑन करना है, फिर हमें डायल घुमाना है, उसके बाद अब हम इसमें टाइम सेट करेंगे। देखिए, जब भी हम केक के लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट करते हैं तो प्रीहीट करना होता है हमें केवल 10 मिनट। देख सकते हैं आप, मैंने डायल घुमा के 10 मिनट का टाइम इसमें डाल दिया है। 10 मिनट का टाइम डालने के बाद हमें स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव को ये प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको पता चल जाएगा कि 10 मिनट का टाइम हमें चाहिए प्रीहीटिंग के लिए। जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया था, देखिए उसमें बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कितने टाइम तक प्रीहीट हो गया है हमारा माइक्रोवेव। ना तो माइक्रोवेव कम प्रीहीट होना चाहिए और ना ज़्यादा, कम होगा तो अच्छे से बेक नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो केक हमारा जल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है।
उसके बाद देखिए जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप ही बीप करना शुरू कर देगा। 10 मिनट का टाइम पूरा होगा तो बीप की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। अब आपको करना ये है कि जैसे ही माइक्रोवेव में बीप की आवाज़ आए आपको अपनी रेसिपी एकदम रेडी रखनी है, और जैसी बीप की आवाज़ आएगी आपको फटाफट से माइक्रोवेव खोलना है। ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद लोअर रैक में आप रख देंगे अपने केक टिन को और डोर करेंगे बंद। यहाँ पर ये इसलिए करना होता है क्योंकि जैसी प्री हीटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है फैन चलना शुरू हो जाता है, फैन जो है हीट को बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है कि माइक्रोवेव जो प्रीहीट हुआ रहता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि फैन स्टार्ट हो आपको फटाफट से अपनी बेकिंग रेसिपी रखनी है माइक्रोवेव में। उसके बाद आपको वापस फिर आना है डिस्प्ले पे, फिर आपको यहाँ पर 180 डिग्री सेलेक्ट करनी है। ये देखिए अब 180 डिग्री पे आप बेक करेंगे, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट का बटन ऑन करेंगे और अब आपको यहाँ पर बेकिंग टाइम डालना है। तो सपोज़ अगर आपके माइक्रोवेव में 40 मिनट का टाइम होता है बेकिंग का तो आप 40 डालेंगे, 45 होता है तो 45 डालेंगे। मेरे LG माइक्रोवेव में 40 मिनट में बहुत अच्छे से केक बेक हो जाता है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल डाल दिया है यहाँ पर 40 मिनट का टाइम, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो माइक्रोवेव है वो स्टार्ट हो जाएगा और केक हमारा बेक होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। अब एक बात यहाँ पर और भी बता देती हूँ जो बहुत काम की है, जब आप केक को बेक करते हैं कन्वेक्शन मोड पे तो 30 मिनट से पहले आप बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे डोर खोल के। 30 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने बीच में खोल दिया तो केक आपका बैठ जाएगा, अच्छे से राइज नहीं होगा और ना ही सॉफ्ट होगा। तो ये थी मेरी पूरी जानकारी कि किस तरीके से माइक्रोवेव को प्रीहीट करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी प्रीहीटिंग की। अगर है आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चंस तो ज़रूर मुझे भेजिएगा, मैं उनका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी ये हैक्स वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।